वो सबसे बड़ा स्ट्रांग तो देखिए मेरे को एक तो लगता है कि जो हमारा जो यूथ है, जो यंग एज, जो यंग पॉपुलेशन है, आप आंकड़े देखिए, सब जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, जो चाहे हमारे इवन इंडिया के जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो पहले गवर्नमेंट में थे, अभी गवर्नमेंट में नहीं है, पिछले 3-4 साल में चले गए हैं छोड़ के गवर्नमेंट को, और वो सब अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट है। जब तक सरकार में थे तब तक उनका एक हिस्सा थे, मोमेंट उनका डिवोर्स हो गया तो फिर वो उनकी वो अभी उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और वो अमेरिका में बैठकर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं, और बैंड बजी हुई अमेरिकन इकोनॉमी की, तो मजे का आप देखिए, मजे की बात देखिए, आप काम वहाँ पे कर रहे हैं, पगार वहाँ पे ले रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहते हैं और वहाँ की इकोनॉमी डब्बा हो रही है। पर ये बात जब मैं मार्केट नॉट मार्केट बट इकोनॉमी की ब्रेथ देखती हूँ कि कितने सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, तो वो बहुत वाइड ब्रेथ है। कितने सारे स्लीपिंग सेक्टर्स सडनली अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि पेपर हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, डिफेंस हो गया, उसके चलते कैपिटल गुड्स तो चलो एक पूरे डिकेड से कहीं पर कुछ हो ही नहीं रहा था, उसमें इतना एक्शन देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इवन इफ दिस इज अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल, 60% लार्ज कैप, 25-30% मिड कैप एंड 10-15% स्मॉल कैप, इस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखे, जैसे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में यू विल सी वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन बैंकिंग, जो हमारा फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है, बट मिड कैप में आप देखेंगे तो मेरे पास एक भी बैंकिंग स्टॉक नहीं है मेरे मिड कैप उसके पोजीशन, राइट? आई हैव कपल ऑफ लार्ज कैप फंड्स इन द मिड कैप पोर्टफोलियो, बट कोई मिड कैप बैंक नहीं है मेरे उसमें। सो द प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम ये नैरो नजरिया से केवल देखें, so you tend to take sectoral views, but the idea is to actually look at कौन सी companies उस sector में ज़्यादा अच्छी कर रही हैं। But overall अगर आप structurally देखें तो हमारा अभी भी we are very very constructive on the IT sector। तो हम तो खाली financial और consumer लेते हैं, वो तो आज भी ले रहे हैं, मतलब in the sense कि उसमें जो भी पैसे होते हैं हम इन दोनों में से जो भी हमारे stocks हैं तो वही ले लेते हैं और या नए ले लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर पर ही हाईएस्ट वो है, क्योंकि कंज्यूमर इज डूइंग वेल। कंज्यूमर में भी हमें ना वो बड़ी वाले कंज्यूमर नहीं चाहिए कि कार खरीद रहा है और टीवी खरीद रहा है, हमें है कि आप मॉल में खाना खाने जा रहे हो या आप सस्ते जूते ले लिया आपने या पिक्चर देखने चले गए या आपने वो कपड़े ले लिए, शेरवानी ले ली, उस टाइप के स्मॉल टिकट कंज्यूमर। तो हमारे पास एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है सिर्फ, और नॉर्मली हम PSUs नहीं लेते, लेकिन हमारे पास बड़े सालों के बाद 2 PSUs है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक डिफेंस का स्टॉक। बैंकिंग क्षेत्र जो है वो फंड्स कहाँ रिलीज करता है, एक तो कॉर्पोरेट को फंड रिलीज करता है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ बनता है वहाँ, दूसरा वो इंडिविजुअल को फंड रिलीज करता है तो इंडिविजुअल या रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बनता है, और तीसरा वो फंड रिलीज करता है जो सेक्टर से प्रायोरिटी सेक्टर से उसके अंदर इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल इज अ रियलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये जो तीनों प्रक्रिया है फंड रिलीज करने की, वो तीनों सेगमेंट के अंदर हम देखें तो उसके अंदर आई थिंक ग्रोथ बना है। हाउसिंग के अंदर लगभग 20% के ऊपर का ग्रोथ बना है, रिटेल फाइनेंस के अंदर करीबन 20% के ऊपर का ग्रोथ बना है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस और लेंडिंग के अंदर करीबन 15-17% के आसपास का ग्रोथ बना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये क्षेत्र के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 20% की एवरेज रेट से ग्रो कर रहे हो तो करीबन 4 साल के अंदर आपकी साइज डबल हो जाती है, एंड दैट मैचेस विद द साइज ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग डबल फ्रॉम करंट। There is always going to be ups and downs or volatility causes even human behavior to change. Do cheeze market ko drive karti hai up stock price ko, is called greed and fear. Greed aati hai jab 18,000 ke paas aate hain aur 16,000 ke paas aapko fear aata hai, magar fear is the best opportunity to buy. To mujhe koi do raay nahi, India is an outperformer aur agle 3 mahine, agle 3 saal, agle 30 saal India ki equity market will see no bounce.
तो पहले 18,000 की दिवाली मनाइए, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ आप जाएंगे। बट इंडिया विल हिट न्यू हाइज एज सून एज द ग्लोबल मार्केट्स टेक अ टर्न फॉर द पॉजिटिव।